नमस्कार दोस्तों, टीवी इंडिया में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आदि अनादि काल से ही हमारी संस्कृत में वास्तु ज्ञान का होना अहम हिस्सा रहा है। हमारे देश में राजा महाराजा अपने महल और महलों में कमरे, पूजा घर, तुलसी निवास, प्रजा द्वार, मुख्य बैठक और न्याय विभाग का निर्माण इन्हीं वास्तु द्वारा किया करते थे, जिनसे कि उनकी इज्जत, शोहरत, धन संपदा में कोई कमी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी महल का निर्माण बिना वास्तु के द्वारा किया जाता हो तो राजा को इसका ज्ञान विवाद और शत्रु विजय होने का भय से पता चलता। राजा इसे तुरंत ही सही करवाते और वास्तु का पूरा ख्याल रखने का हुक्म भी देते थे। मगर दोस्तों, आज के इस जीवन चक्र में सभी इतना व्यस्त हैं कि किसी को अपने घर, ऑफिस, कारखाने के निर्माण में वास्तु का ख्याल भी नहीं रहता। अभी के समय में सभी ये सोचते हैं कि बस बना बनाया घर, ऑफिस, कारखाना मिल जाए। अब वास्तु चाहे जो भी हो, जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तब याद आता है कि वास्तु शास्त्र ही सर्वोच्च है उनकी तरक्की के लिए। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही वास्तु बताने जा रहे हैं जिसे करके आप अपनी परेशानियों को सही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अंडाकार सफ़ेद पत्थर यह बहुत शानदार है। जिस घर में अंडाकार सफ़ेद रंग का पत्थर होता है उसके घर में लक्ष्मी स्वयं आ जाती है और घर में शांति बनी रहती है। इसे अपने घर में जरूर रखें। शुभ जोड़ा, यदि वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया जाए तो घर में हंस या हिरण के जोड़ों को रखने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और भाग्य भी खुलता है। पिरामिड, पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहती है। इस कारण से यह ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञान व अज्ञान शक्तियों को स्वयं में अपने अंदर समाहित कर पिरामिड अपने अंदर एक ऊर्जापूर्ण वातावरण तैयार करता है, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। आप इसे अपने घर में जरूर रखें। मोर पंख, आपको बता दें कि मोर के पंख को भाग्यशाली होता है। अपने घर में मोर पंख को तो कीड़े मकोड़े और छिपकली नहीं आती और भूत प्रेत की बाधा भी नष्ट हो जाती है। आप हो सके तो इसे घर में जरूर रखें। तो दोस्तों, ये चार उपाय वास्तु के हैं जिसे आप अपना कर अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं।